वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिश केयर। तो आज मैं आपके लिए फिर एक न्यू टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जैसे कि आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि एक्वेरियम हम कैसे क्लीन करें, और सेकेंड पार्ट इस वीडियो का देखा होगा आपने, पेट शॉप पे गया था मैं, सेकेंड पार्ट आपने देखा था उसका, फर्स्ट पार्ट भी बनाया था मैंने उसके ऊपर। तो वो सारे वीडियो कोई काम के नहीं है अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी। तो इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ कि जो हमारी फिशेज होती हैं वो क्यों मर जाती हैं, उस फिश में क्या दिक्कत होती है कि हम एक्वेरियम शॉप से खरीद कर तो लाते हैं लेकिन एक दो दिन में वो फिश मर जाती हैं। तो उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है, हमें एक्वेरियम का पानी बार बार चेंज करना पड़ता है क्योंकि फिशेज हमारी मर जाती हैं। बड़े मन से हम फिश लाते हैं और अच्छे से केयर करते हैं फिर भी फिश मर जाती हैं। हमारी क्या गलती है कि उसमें फिश मरती हैं, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय फ्रेंड्स, मेरा अभिषेक ऐसी मेरी ब्लैकिंग फिश मिलता है शॉप। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, कुछ फिश के बारे में बात करने जाऊँगा। आप किसी शॉप पे मछली फिश लेते हैं तो मरती क्यों है, और बाउल में कोई मछलियाँ पालते हैं और पालने के बाद एक दो दिन में वो मछली मर जाती है, तो उसका रीज़न है क्या, वो आपको इस टॉपिक में बताने जाऊँगा। थोड़ा बहुत टॉपिक रहेगा, मैं थोड़ी जानकारी आपको दूँगा। किसी शॉप पे आप पहले एक टैंक लेते हैं, किसी शॉप पे न्यू, तो आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वो टैंक आपको दिखाते हैं क्या प्राइस है, क्या साइज है, तो आप जगह हिसाब से आप वो टैंक लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मछली आप फर्स्ट टाइम लाते हैं, जो फिश शॉप ने दुकानदार ने आपको वो पूरी जानकारी दी होता है आपको कैसे वो टैंक को रख। किसी शॉप पे टैंक लिया है आपका, दो एक हफ्ता हो चुका है और एक दो मछली आपकी धीरे करके मर जा रही है, उसका रीज़न है क्या, तो रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट टाइम जो भी हम मछलियाँ पालते हैं टैंक में, तो एक दो मछली फर्स्ट टाइम मरती मरती है। आपको पानी का जो यूज़ के लिए आपको बताना चाहूँगा, महीने में एक बार आपको टैंक साफ करना है और उसके जो फिल्टर और स्पंज होगा दोनों को साफ करना है। और आपको क्या है कि पानी जो भी यूज़ करना है तो मीठा ही यूज़ करना है आपको, खारा जरा सा यूज़ नहीं करना है। सारी मीठे पानी की मछलियाँ होती हैं, और मेडिसिन होती है तीन आपको जरूरी है, वो डालनी है आपको। ज़्यादा आप कंपनी की मेडिसिन यूज़ कीजिए, बेहतर है, जनर है, क्लोहिन और आपकी इंच हो गई। तो बाकी मैं मेडिसिन दिखाना चाहूँगा आपको, दिखा देते हैं वीडियो में कौन कौन सी है, तो वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा किस मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। पहले जो मेडिसिन रहेगा हमारा क्लोहिन, जो भी आप पानी आर ओ का इस्तेमाल करते हैं मीठा पानी, उसमें आपको क्लोहिन की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाती है, इस कारण वो मछलियाँ मरने चालू रहती है। तो इसका जरूर ध्यान देना आपको, जो मेडिसिन जो फूड हम आपको बताएंगे वही आपको फॉलो करना है। तो पहले जो है क्लोइन है, ये टैंक के हिसाब से आपके ये क्लोइन जलते हैं। मान के चलिए आपका 18-12 का टैंक है, उसमें दो ढक्कन ही क्लोइन जलेगा जलेगा, ठीक है। और अगला मेडिसिन दिखाता हूँ, अगला जो है इंच है, अगली जो मेरी मेडिसिन है ये इंच है, देखिए इंच आप इंच जरूर जाने, इंच का इंच और जनर रह जाता है। जनर का क्या होता है, मेडिसिन क्या इस्तेमाल करती है, जैसे आपका रेड स्पॉट हो गया या मछली पे रेड का रैशिस हो गया, उसको ये हटाता है, ये मेडिसिन रिकवर करता है, तो इसका जरूर ध्यान दे फ्रेंड्स। और चार भी एक दवाई आती है, देखिए एक आती है फंगस, फंगस का क्या यूज़ है, फंगस आपका क्या, ये मेन मेडिसिन होती है सिर्फ सर्दियों के लिए। फंगस क्या होता है कि व्हाइट स्पॉट आपको किसी मछली पे नज़र आते हैं, तो ये आपको यूज़ करना है टैंक के हिसाब से, इसका ना ज़्यादा ड्रॉप डालनी है ना कम डालनी है, जितनी हम आपको बताएंगे उतनी आपको डालनी है। और बाकी बताना चाहेंगे 18-12 का जैसे आपका टैंक है साइज, उसमें आपको इसका 10 बूंद डलेगा, 10 से ऊपर डालेंगे तो मछलियाँ आपकी टेढ़ी हो जाएंगी, ऊपर फ्लोट करने जाएगी। और अब जो टॉपिक रहेगा अगला हमारा वो रहेगा फूड के ऊपर। जैसे आपको पहली वीडियो में हमने बताया था, फूड जो भी देना सबसे अच्छा फूड देना, मछली की लाइफ अच्छी रहेगी। ऑप्टिमम फूड देखिए कितना, ये देखिए वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा। तो जैसे फ्रेंड मैंने आपको छोटी जानकारी दे दी है, देखिए ऑप्टिमम के ऊपर, ऑप्टिमम और मेडिसिन के ऊपर। और बाकी आपको बताना चाहूँगा अगले जो हमारी रहेगा कि आप किसी शॉप पे मछलियाँ लेते हैं,
सॉफ्ट, जैसे आपके ने सॉफ्ट मछलियाँ पा रखी है, आप किसी शॉप पे सॉफ्ट मछलियाँ लेने जाते हैं तो शॉप कीपर कोई कोई क्या कर देते हैं, आपको हार्ड मछली दे देते हैं जिसकी जानकारी आपको रहती नहीं है। जैसे आप समझिए आपके पास अरवाना है, अरवाना एक हार्ड मछली है, एक सबसे एक लकी फिश है जो घर के लिए होती है, पर बाकी आप उसके साथ जो आप चलाते हैं वो शॉप कीपर दूसरी ले जाता है, वो मछली खा लेती है। जैसे आप किसी शॉप पे आपने लिए गोल्ड ले लिया, गोल्ड पसंद आ गया, वो शॉप कीपर दे दिया पूरी जानकारी ना होने की वजह से, तो आपकी जो मछली है वो खा लेती है। तो बाकी अगला जो मैं रहेगा, तो बाकी इस वीडियो में आपको बताना चाहेंगे, इसमें तीन तरह की मछली आती है, हार्ड, सॉफ्ट और मीडियम। आपके पास जो भी मछलियाँ आपको होती है शॉप कीपर को कोई आपके पास फोटो है मोबाइल से कुछ फिश की फोटो लेके उस शॉप कीपर को दिखाओ, आपको वो जो उसके साथ चलने वाली जो फिश होती है वो आपको देगा। बाकी डिस्कस करना चाहूँगा बाउल के ऊपर, जैसे आप बाउल आपने ले रखा फर्स्ट टाइम आप ट्राई के लिए लेते हैं बाउल, तो शॉप शॉप में बाकी बताना चाहूँगा बाउल के एक होता है हल्का बाउल होता है कांच जल चुक जाता है, तो बेहतर आप टैंक लीजिए, बाउल में जल्दी मछलियाँ मरती है। उसका रीजन है क्या, एक से प्रॉपर जगह नहीं मिलनी, दूसरे आपके हो गए ऑक्सीजन न मिलना, तो वो खाना सबसे ज़्यादा खाना वो जो बाउल के नीचे बैठ जाता है इस पीछे मछलियाँ मरती हुई है, तो आप सबसे बेहतर है टैंक लीजिए, टैंक में लाइव मछली की अच्छी है। तो बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो उस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर। बाकी ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मछली, मछली ऐसे ही बाउल में मरती हैं, बाउल और टैंक में, तो पहली बार ऐसा होता है, धीरे धीरे आपकी एक आदत बन जाएगी, रूटीन बन जाएगी कैसे किस वजह से मछली मरती हैं। बाकी वीडियो में आपको रीजन दे दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये छोटे साइज की गोल्ड फिश है, इतनी छोटी होने की वजह से भी ये मर चुकी है। तो मैंने बाउल के लिए कुछ फिशेज बताई थी, तो मैं दिखाना चाहूंगा ये कौन कौन सी फिश आप बाउल में रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये मोली फिश है भैया के पास, ये मोली फिश आपके बाउल में रह सकती है, ये मोली फिश देख सकते हैं आप, ये मोली फिश बाउल में रह जाएंगी आराम से, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी बाउल में। बाउल में आप ऑक्सीजन जरूर लगाएं, बिना ऑक्सीजन के भी ये चल जाती हैं, ये मोली फिश। और ऐसी आपकी प्लेटी आती है और शॉर्ट टेल भी दिखने में ऐसी होती है, आप शॉपकीपर को जाके बोलेंगे नाम बताएंगे तो आपको दे देंगे। ये आपकी हो गई मोली फिशेस। कुछ जैब्राज हैं भैया के पास, ये छोटे साइज की, बहुत छोटे साइज की जैब्रा हैं, ये आपके पास चल जाएंगी। ये आपकी फाइटर हो गई, कहाँ गई फाइटर, ये रही, ये आपकी फाइटर चल जाएगी। फाइटर का नाम आपने सुना ही होगा, बेटा फिश बोलते हैं इसे। फुल मून भी रखी नीचे, रखी फुल मून दिखा देते हैं। ये फुल मून फाइटर भैया के पास है नीचे, ये भी चल जाएंगे आपकी बाउल में, फुल मून फाइटर है, भी है ब्लैक में, ब्लैक फुल मून फाइटर भैया के पास है ऊपर, ये भी चल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि भैया ने जो भी आपको टॉपिक बताए, जितने भी आपको टॉपिक कवर करे भैया ने, क्या आपको समझ आए होंगे और इसके थ्रू आप अपनी मछलियों को मरते हुए बचा सकते हैं। अगर आपकी मछली मरने वाली हो तो ये सारी चीजें फॉलो करके, जो भी मेडिसिन और फूड और जो भी भैया ने चीजें बताई ये आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है भैया के रैट, दो रैट ने बेबीज दिए हैं, रैट ने दो बेबीज दिए, एक रैट को 10 डेज हो गए हैं और एक 3 दिन पहले दिए, और भैया के पास एक पमेलियन आया है डॉग, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करने वाला हूँ कि कौन क्या प्राइस में आया है और भैया ने कैसी केयर करी है कि रैट के बेबीज बच गए उनके। वरना यूजुअली क्या होता है कि बच्चे बचते नहीं, अपने रैट मदर रैट अपने बेबी खुद खा लेती हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और एक और टॉपिक था इस वीडियो के उससे अकॉर्डिंग कि जैसे मेरा भाई का कमेंट आया था कि हम बाउल में कौन कौन सी फिश रख सकते हैं, जो परचेज नहीं कर सकते एक्वेरियम, वो बाउल में मतलब जगह भी नहीं होती रखने की, तो बाउल रखना पसंद करते हैं, तो बाउल में कौन सी फिशेज हम रख सकते हैं। और सबसे पहले प्लेटी फिश है जो बाउल में चल सकती है, शॉर्ट टेल है, मोली फिश है, और आपकी गप्पी हो गई और जेब्रा हो गई, ये और आपकी सबसे मेन जो सबसे अच्छी लाइफ में बाउल में चल सकती है वो आपकी हो गई है बेटा फिश, मेल फीमेल दोनों रख सकते हैं आप बाउल में, ब्रीडिंग भी बाउल में उनकी करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।